कहते हैं कि भूख इंसान से कुछ भी करा सकता है, और कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ जब 10 महीने के ब्रेक के बाद मैं पहली बार गई रेस्टोरेंट में खाना खाने, वो भी कोरोना के टाइम में। जी हाँ, कोई प्लान नहीं था, टोटली अनप्लान था ये जो आज का जो आप देख रहे हैं व्लॉग। और कुछ काम से बाहर गई थी और एकदम से तेज़ी से भूख लगने लगी, तो सोचा यार कोई और ऑप्शन नहीं है तो चलते हैं यार, देखा जाएगा। और देखा मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट संगीता, और आप देखिए इसकी पार्किंग, इतनी सारी पार्किंग स्पेस जब अवेलेबल होती है ना, तो ऐसा लगता है रेस्टोरेंट खुद ही आपको अपनी तरफ बुला रहा है कि आ जाओ हम एकदम खाली बैठे हैं, आ जाओ। तो एक तो ये पॉजिटिव था कि चलो हाँ भीड़ कम है तो चलते हैं यहाँ पे। प्लस आप देख सकते हैं ये साइन बोर्ड्स यहाँ पे काफ़ी सारे वार्निंग्स वगैरह दे रखे हैं, तो भले ही वो माने ना माने, जब बाहर इस तरह से वार्निंग दे रखते हैं ना कि बोर्ड ये सब हाथ धो और प्रिकॉशन लो, ये तो लगता है कि यार हाँ यार ये लोग मानते होंगे, तो चलो अंदर चलते हैं, सेफ है। और यहाँ पर कुछ कॉम्बो ऑफर्स दे रखे हैं, लंच कॉम्बो, ब्रेकफास्ट कॉम्बो, लेकिन डेफिनेटली मैं इवनिंग टाइम पे वहाँ पे गई थी तो ये सब अवेलेबल नहीं था। अब चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। तो रेस्टोरेंट के अंदर घुसते ही देखा यार इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई मतलब बहुत ही खाली रेस्टोरेंट है। मतलब ये बता दूं मैं चेन्नई के टॉप 3 रेस्टोरेंट्स में से है, और इस वक्त शाम के वक्त यहाँ पे इतना सन्नाटा होना नहीं चाहिए। और नज़र गई मेरे इन छोटू पे, तो घुसते ही सबसे पहले आपको ये लेग हैंड सैनिटाइज़र दिखेगा छोटू सा, तो काफ़ी इम्प्रेसिव लगा कि हाँ यार ये मैंने बहुत जगह नहीं देखा है, कुछ कुछ जगह पर ही है, तो काफ़ी ये एक प्लस पॉइंट था इस रेस्टोरेंट का। और ये पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पंप किया और उसमें से मैंने हाथ सैनिटाइज़ किए, तो मेरे हाथ में झाग बनने लगी, यानी कि उसमें सैनिटाइजर की जगह उन्होंने हैंड वॉश डाल रखा था। भाई इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। तो हाथ धोने के लिए जैसे मैं रेस्ट रूम में गई, तो वहां पे मैंने देखा कि वॉश बेसिन वगैरह काफी साफ सुथरा है, काफी हाइजीन मेंटेन है, तो अगेन 1+1-। तो खाली होटल में मैंने अपनी टेबल सिलेक्ट करी और मैं वहां बैठ गई, और ये देखिए चारों तरफ खाली, मतलब ऐसा लगे पूरा रेस्टोरेंट है मैंने बुक करा लिया है, पूरा खाली, विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग, बिकॉज बहुत सारे लोग सफ़र हो रहे हैं इस वजह से। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अकेली थी, कुछ लोग और थे, आप देख सकते हैं भाई साहब वहाँ पे खा रहे हैं, और यहाँ मेरी बगल वाले केबिन में भी आपको दो मुंडियाँ दिखेंगी, तो ये है। लेकिन एक और भी स्पेशल गेस्ट है, था उस वक्त रेस्टोरेंट में, और वो हैं मक्खी जी। जी हाँ, इंडिया है भाई, इंडिया है, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, डेमोक्रेसी है, कोई मनाही नहीं है। और मक्खी जी की कंपनी में मैं बैठ गई अपना ऑर्डर देने के लिए अपने टेबल पर, और यहाँ पर जैसे ही सामने देखा मैंने प्लेट्स जो रिप्लेस हो गए हैं केले के पत्ते से, और जो ग्लासेस थे वो रिप्लेस हो गए हैं यहाँ पर पेपर कप से, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव थिंग। मतलब हमारे जो पूर्वज थे ना, वो सोचते होंगे कि यार हम लोगों ने जो इजाद किया है फाइनली कोरोना की वजह से, तुम्हें वो सब करना ही पड़ रहा है, तुम्हारी सारी प्लेट्स वगैरह कटलरी वगैरह भाड़ में जाए, खाओ केले के पत्ते में। एंड दिस इज योर्स ट्रूली लुकिंग वेरी अनरूली और वेविंग ऑन द कैमरा, जैसे पता नहीं कौन सा महान ब्रेवरी का काम कर लिया है, कोई मेडल मिल गया हो ब्रेवरी का बाहर कोरोना में खाकर। Anyway, so this is my waiting for food, मुझे भूख लगी है खाना दे दो वाला फेस, which you cannot see because of the mask, so which is a good thing, मतलब मुंह बंद करो और काम पे लग जाओ। और ये आया मेरा ऑर्डर, तो मैंने ऑर्डर की थी इडली, विच आई लव, और संगीता की इडली और सांभर, इट इज़ लाइक अमेजिंग, इट्स टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो स्टीमिंग हॉट इडलीज और ये सांभर डाल रहे हैं भाई साहब, और साथ ही साथ ऑफ कोर्स रेड चटनी और जो नॉर्मल वाइट चटनी, और ये है, इन्होंने भी मास्क वगैरह ग्लव्स वगैरह पहन रखा है कैमरा में हंसते हुए शर्माते हुए, और मास्क ऑफ कोर्स नाक से नीचे सरकता हुआ। और अब आते हैं खाने पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तरीके की चटनी है, लेकिन ये लाल चटनी है ना, इट वाज जस्ट अमेजिंग, और स्पाइसी सांभर तो था ही, मतलब यूजुअली आई डोंट लाइक रेड चटनी, लेकिन यहाँ का बहुत ही बढ़िया था और स्पाइसी था सांभर, लेकिन जो जान है ना वो तो ये सॉफ्ट पिलोई इडली है जो एकदम स्टीमिंग हॉट आई थी। तो ज़रा तोड़ कर आपको दिखाते हैं कि कितनी सॉफ्ट है इडली, मतलब जो नॉर्थ में ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरीके की इडली, आई टेल यू फॉर श्योर। और यहाँ एकदम मेल्ट इन द माउथ इडलीज है यार, बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब पकड़ो ना तो एकदम मतलब मुलायम सी है। तो इडली तो आपने बहुत तरीके से खाई होंगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, तो इडली खाने के बेसिकली दो तरीके हैं, एक तो इस तरह से एकदम सोफिस्टिकेटेड थोड़ा सा इडली तोड़ा सांभर में डाला चटनी में डाला और खा गए, मतलब सभी दुनिया खाती है ऐसे, क्या बिग डील। लेकिन ये वाला तरीका, तोड़ा सांभर में उसका अच्छे से मसाला और फिर थोड़ा सा उसमें चटनी लगा, एक बॉल सा बना, उसको खा गया। आई नो आप सोच रहे होंगे याक दिस इज सो ची, आई नो मुझे भी 10 साल पहले ऐसे ही लगता था, बट नाउ दिस इज यू नो इसमें खाने का कुछ अलग ही फील है। और अब देखिए, आप देखिए, आप सामने वाले को देखिए, इसी तरह से सब खाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर यही है यू नो ट्रेडिशनल साउथ इंडियन वे ऑफ ईटिंग, सो डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, आई टेल यू #DoNotDiscriminate।
और खाया पिया सफा चट। मक्खी फिर से आके बैठ गई हमारे पत्ते पे। थोड़ा शेयरिंग इज केयरिंग यू नो। इस तरह से बनाना की जो लीफ होती है ना उसको सब बंद कर दो, इसका मतलब खाना आपको अच्छा लगा। लेकिन चाय अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो चाय जो थी वो थोड़ी एवरेज थी, मतलब इसमें इलायची नहीं था, अदरक नहीं था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, लेकिन ओके था, बाकी सब अच्छा था। और यहाँ मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया, वहीं ये बगल में भाई साहब भी सब कुछ साफ़ करते रह रहे थे, विच इज़ अ गुड थिंग, है ना। देख कर लगता है कि यार काफ़ी बार बार साफ़ कर रहे हैं, हाइजीन है, काफ़ी मेंटेन है। और खाया पिया मस्त, और बिल आया 221 रुपये। जी हाँ, दो दो प्लेट इडलीस और एक्स्ट्रा मंगाई गई थी, साथ ही दो कप चाय। तो बहुत ही किफ़ायती है मैं कहूँगी, और बहुत ऑफकोर्स डिलीशियस तो है ही। तो अगर आप कभी चेन्नई आए या कभी वो संगीता जाएँ तो इडली सांभर ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और मुझे ये बताना कि आपने अभी तक कोरोना में बाहर खाना खाना शुरू किया है कि नहीं, और अगर आपने खाया है तो सबसे पहला आपने लॉकडाउन के बाद कोरोना में क्या खाया, नीचे कमेंट करके बताइए। और इसी तरीके के अगर आप व्लॉग्स और देखना चाहते हैं तो लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा है? और अच्छा ज़रूर लगा होगा, क्योंकि यार दूसरे के लाइफ में झांकना किसे नहीं अच्छा लगता है, क्यों, है ना। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अमेजिंग हेल्दी और फ्यूजन रेसिपीज़ के लिए द फ्यूजन थ्योरी को देखते रहिए। मिलते हैं एक और अमेजिंग इंटरेस्टिंग रेसिपी या हू नोज़ व्लॉग के साथ। तब तक अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। गो कोरोना गो।